गुरु की महिमा और महत्व सभी तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। इस पर्व को नागपुर शहर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। लोगों के बीच गुरु पूर्णिमा का उत्साह देखने हमारी टीम पहुंची वर्धा रोड स्थित साई मंदिर में, जहां भक्तों की भारी भीड़ और उत्साह देखने को मिला। सभी वेदों में ग्रंथों में गुरु को माता पिता से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा। तो आज हम मौजूद हैं नागपुर शहर के साई मंदिर में, जहां पर नागरिकों द्वारा, भावी भक्तों द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ ये पूर्णिमा का अवसर मनाया जा रहा है। मेरे पीछे आप देखिए कि भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए साई मंदिर में मौजूद है। यहाँ लोगों की आस्था साई बाबा से जुड़ी है। साई बाबा को लोग अपना प्रथम गुरु मानते हैं। तो आइए आज इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर देखते हैं नागपुर के लोगों का गुरु पूर्णिमा को लेकर उत्साह। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। गुरु ज्ञान देते हैं और जीवन की सही दिशा बताते हैं। गुरु की महिमा और महत्व सभी तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास का आज से करीबन मैं अविनाश टेगांवकर, सचिव साई मंदिर वर्धा रोड नागपुर। आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। गुरु पूर्णिमा में एक ही महत्व ज्यादा है कि गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है उसी को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। सब शिष्य लोग अपने गुरु से मिलने आज मंदिर में आए काफी तादाद में। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आरती होने के बाद में जो जनसमूह यहाँ पे उमड़ा है, वो आप देखकर आपको लगता होगा कि आपको ये पता चलेगा कि शिष्य अपने गुरु से मिलने आए हुए हैं। गुरु पूर्णिमा का महत्व ही वो है कि शिष्य अपने गुरु के पास में अपनी जो भी मनोकामना या जो भी इच्छा होती है वो यहाँ लेके आते हैं, अपने गुरु के समक्ष वो रखते हैं और उसको पूरा करने की गुरु से आशा करते हैं, उसी को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी हुई है। आप नजर घुमा कर देखिए कि यहाँ पर काफी भारी तैयारियां की गई है, फूलों से लेकर नारियल तक की यहाँ पर इसकी सजावट की गई है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर नारियलों के साथ सजावट की गई है। तो अभी हम यहाँ के सेक्रेटरी से जानेंगे कि यहाँ की तैयारी में कुल कितने फूलों की नारियलों को सजाया गया है। यहाँ पर जो तैयारी की गई है उसमें जो ये सजावट दिख रही है नारियल की, तो उसमें कितने नारियलों का उपयोग किया गया? इसमें नारियल का 2100 नारियल का उपयोग किया गया यहाँ पे अंदर के लिए, जो कि भक्तों ने बाबा को जो चढ़ाए हुए नारियल थे उसी नारियल का उपयोग इस समय अपने डेकोरेशन के अंदर किया है, ताकि ये जो नारियल जो है, नारियल का एक महत्व एक अलग होता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा में अपने नारियल का उपयोग करके वो एक सजावट की है। और ये सारा जो सजावट है ये गए 2 दिन से चल रही थी, ये आज गुरु पूर्णिमा के निमित्त अपने सजावट की है और इसमें 2100 नारियल लगे और ये काफ़ी 1000 टन के करीब फूल लगे अपने को इसमें। और ये जो पत्तियाँ जो दिख रही ये सब नेचुरल है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है, सारा चीज़ नेचुरल है। और आज अंदाजन 25,000 के करीब करीब लोग अभी तक दर्शन करके जा चुके हैं यहाँ से। मेरे पीछे आप देखिए कि यहाँ पर जो माहौल है, जो पूरा वातावरण है, वो सुगंधित फूलों के बीच में काफी मनमोहक है। और यहाँ पर अभी भी भक्तों की भीड़ काफी उमड़ पड़ी है। अभी यहाँ पर आरती समाप्त हुई है, आरती के बाद करीबन 7:30 बजे यहाँ से पालकी यात्रा भी निकाली जाएगी। और अभी आप सीधे प्रसारण देखिए कि भारी भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए यहाँ मौजूद है। तो इस तरह मनाया जा रहा है नागपुर के साई मंदिर में गुरु पूर्णिमा का ये पर्व। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास का आज से करीबन 3000 साल पहले जन्म हुआ था। मान्यता है कि उनके जन्म पर ही गुरु पूर्णिमा जैसे महान पर्व मनाने की परंपरा को शुरू किया गया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरी तरह से महर्षि वेद व्यास को समर्पित है। इस वर्ष को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 को मनाई जा रही है। कहा जाता है कि
महर्षि वेद व्यास ने अपने बाल्यकाल में अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सत्यवती ने वेद व्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेद व्यास ने हठ करने लगे और उनके हठ पर माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी, साथ ही कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। गुरु पूर्णिमा मनाने यहाँ पर भक्तों की काफी भीड़ मौजूद है, तो किस तरह नागपुर के लोग गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए यहाँ पर उत्साह के साथ मौजूद होते हैं, आइए उन्हीं लोगों से ही पूछते हैं। तो गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए आप यहाँ पर आई है, कैसा महसूस करें? जैसे अपने घर में माँ बाप के सामने, माँ बाप जैसे अपने गुरु है, वैसे ही साई बाबा भी अपने गुरु है। तो जैसे अपन घर में यानी माँ बाप को यानी ऐसे अपने गुरु के जैसे मानते हैं, जैसे उनके चरण छूने के लिए अपन उनके पास जाते हैं, तो साई बाबा के पास में तो आएंगे ही ना, तो उनके दरबार में आने के लिए तो लोग मौजूद हैं यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का पर्व साई बाबा के साथ मनाने के लिए। जी, मेरा नाम पंकज खंडियालाल है, मैं भोपाल MP से आया हुआ हूँ। अभी नागपुर आए हम लोग, यहाँ के मंदिर के बारे में सुना था, बहुत अच्छा लगा और आज गुरु पूर्णिमा दर्शन करके बहुत आनंद आया। गुरु पूर्णिमा है, अच्छा दिन है, आज का बाबा का दिन है, सभी भीड़ है, सभी भक्त जन आए हैं, हर्षोल्लास होता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। वेद व्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई, तत्पश्चात उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत 18 महापुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की रचना की। महर्षि वेद व्यास को चारों वेदों का ज्ञान था, यही कारण है कि इस दिन गुरु पूजने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। गुरु पूर्णिमा के इस खास मौके पर प्रिय गुरुजनों का आभार व्यक्त कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। जिस तरह पूर्णिमा का चांद आसमान में पूरा है, उसी तरह पूरा का पूरा नागपुर शहर यहाँ पर पूर्णिमा मनाने के लिए मौजूद है। तो इस तरह नागपुर शहर में आज गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया गया। तो ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, कैमरामैन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी, BCN News नागपुर।